हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि जानते हैं, मेरे चैनल पे किसी भी स्टेट का फिजिकल एजुकेशन कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एमवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी, एलटी ग्रेड, मध्य प्रदेश, टीटी, चाहे कोई भी हो, सबका सिलेबस सेम होता है। तो सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे थ्योरी वीडियोज, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज सभी प्रकार के वीडियोज है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी कुछ आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यदि आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि तुरंत एग्जाम होने वाला है, टाइम नहीं है आपके पास, तो लग जाइए मेरे चैनल पे, दोनों टाइम आपको वीडियो मिल रहे हैं इस टाइम। तो चलिए प्रैक्टिस किया जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन के मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों, भोजन के मुख्य कार्य है नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, भोजन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण आपके शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। तो यहां पे विकास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइलिन पाया जाता है। तो टाइलिन जो है एक एंजाइम है जो हमारे मुंह में पाया जाता है, लार ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे लार में पाया जाता है टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन में सहायक होता है। जैसा कि दोस्तों, पाचन का आरंभ हमारे मुख से ही हो जाता है और भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण दोनों होता है छोटी आंत में, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है जो घाव भरने में सहायक होता है और उत्तकों को निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे है यकृत, मक्खन, यकृत, अंडा, तो इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी में कैल्शियम फॉस्फोरस होता है जो हमारे हड्डियों और दांतों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो दोस्तों, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है एंड प्रोटीन भी एक ग्राम में 4.1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है एंड वसा पूछेगा तो 9.1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है एक ग्राम में। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। जैसा कि दोस्तों, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के एंड जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इन सभी के बारे में डिटेल में मैं बताई हूँ। आप स्वास्थ्य वाले वीडियो यानी कि प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। एक बार आप विटामिन वाला वीडियो देख लेंगे, संक्रामक रोग वाला वीडियो देख लेंगे, तो दोबारा आपको किसी वीडियो को वॉच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जो एमाइलेज होता है वो कहां पे कार्य करता है? तो दोस्तों, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है? तो एक कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है, कहां पे कार्य करता है एमाइलेज? तो एमाइलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। जैसा कि दोस्तों, हमारे पैंक्रियाज से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन स्थापित होता है, जो एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एंड जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन का पाचन करता है, जो लाइपेज होता है वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन जो शरीर निर्माण में प्रदान शरीर का निर्माण करता है और जो वसा होता है वो भी ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे विटामिन जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता। दोस्तों, जैसा कि हमारे पोषक तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है कार्य के आधार पर, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, एक शरीर का निर्माण करने वाले और तीसरा शरीर की रक्षा करने वाली। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले में आपका कार्बोहाइड्रेट एंड वसा है और जो शरीर निर्माण करने वालों में प्रोटीन है एंड शरीर की रक्षा करने वाले में विटामिन एंड खनिज लवण आता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है? तो दोस्तों, प्रोटीन जो है अंतिम रूप में टूटता है अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड में। नेक्स्ट है, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात कितना होता है? तो 70% होता है मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है सही, कौन इसमें
सही है। तो जो दोस्तों पहला है आपका ए है विटामिन ए, तो विटामिन ए आपका हो जाएगा यहाँ चौथा, यहाँ पे विटामिन ए आपके मिल जाएगा चौथा, जो है आपका रक्तावधि होता है। एंड विटामिन बी जो है आपका एनीमिया हो जाएगा, एंड विटामिन सी स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी रिकेट्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए क्योंकि, क्योंकि क्या करता है? पसीना चलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, खिलाड़ियों को क्यों नमक मात्रा अधिक लेनी चाहिए? क्योंकि पसीना निकलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो दोस्तों प्रोटीन का जो पाचन होता है, पाचन प्रोटीन का पाचन प्रारंभ तो आपका अमाशय में ही हो जाता है, यानी कि हमारे स्टोमच में हो जाता है, और उसके बाद आपका छोटी आंत में पाचन होता है जो पैंक्रियास से निकलता है, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, और आपका अमाशय से निकलता है पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज। तो प्रोटीन का पाचन आपका अमाशय से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो पैंक्रियाटिक रस होता है उसको पूर्व पाचक रस कहा जाता है, जो अग्राशय से निकलता है एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, क्योंकि वहां पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा तीनों का पाचन होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है आपका सही हो जाएगा उदर एवं छोटी आंत में, उदर यानी कि अमाशय में और छोटी आंत में। नेक्स्ट है, इनमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन कौन है? तो दोस्तों कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है दूध। दूध में, दूध आपका कैल्शियम का सबसे अच्छा साधन है, और कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हड्डियां मजबूत रहेगा तो आपके हड्डियों के जो खोखले भाग होते हैं बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है, तो सब कुछ मजबूत होगा। तो कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ कौन है? दोस्तों तो दूध है, गाय का दूध है जो सबसे कम कैलोरी प्रदान करता है और शक्ति ज्यादा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, बच्चों के को पर्याप्त कैल्शियम एवं विटामिन युक्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें न हो पाए। तो कैल्शियम क्या करता है? विटामिन युक्त भोजन, तो कैल्शियम यानी कि विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है, तो विटामिन डी यानी कैल्शियम की कमी से हो जाएगा रिकेट्स। नेक्स्ट है, इनमें से कौन दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है? तो दोस्तों वो है आपका केसीन, जो दूध का पाचन करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 70% हमारे शरीर में ओनली जल पाया जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जल। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन है। तो सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी, ये हमारे अस्थियों और दांतों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी में कैल्शियम फॉस्फोरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? दोस्तों हमारे मस्तिष्क में रक्त जम जाता है, उसे हेमरेज कहते हैं, यह आपका होता है विटामिन डी के की कमी से। कोष्ठबद्धता का कारण है, तो कोष्ठबद्धता का कारण है पानी की कम मात्रा लेना, पानी की कम मात्रा लेने से कोष्ठबद्धता रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर, यानी कि सबसे ज्यादा विटामिन ए किसी में पाया जाता है तो गाजर में। इसकी कमी से रक्तावधि, नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद आदि सारे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होना चाहिए छोटे बच्चों के भोजन में। तो शरीर निर्माण होता है छोटे बच्चे में सबसे ज्यादा, इसके प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन क्या कहता है? शरीर के निर्माण करने में सहायक होता है, ऊतकों और कोशिकाओं और मांसपेशियों की। नेक्स्ट है, संतुलित आहार भी होना चाहिए, तो संतुलित आहार में प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट ये उपयुक्त सभी होना चाहिए, यानी कि दोस्तों संतुलित आहार में जो हमारे 6 पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण जल, ये सभी उचित मात्रा में विद्यमान हो उसी भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं।
नेक्स्ट है, एक ग्राम वसा में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो एक ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी प्राप्त होती है, एंड एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है, तो वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है मक्खन। मक्खन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वसा के लिए, ये सबसे बेस्ट साधन है। वसा हमारे कोशिकाओं और मांसपेशियों की रक्षा करता है त्वचा की, इसलिए वसा भी हमारे शरीर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिक मात्रा में नहीं। नेक्स्ट है, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त माना जाता है? तो एक औसत कार्यशील महिला है तो उसको प्रतिदिन 4600 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है, तो दोस्तों मानव पाचन तंत्र में जो अपेंडिक्स का उपयोग है पहले होता था पाचन क्रिया में सहायता में, लेकिन अब इसका पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं होता है अपेंडिक्स का। नेक्स्ट है, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा किसकी ग्रहण करनी चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट की, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? तो सूर्य की किरणें सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन डी का। नेक्स्ट है, टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो ये लार में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, जैसा कि पाचन का आरंभ हमारे मुख से हो जाता है एंड भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है? तो ये है सबसे ज्यादा विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला में, उसके बाद आपका नींबू, फिर संतरा, फिर टमाटर, अमरूद में, ठीक है, अमरूद पूछा था पिछली बार। नेक्स्ट है, स्ट्रिप्सिने या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहां पर परिवर्तित करता है? दोस्तों तो यह करता है छोटी आंत के डेडुनम में, जैसे कि छोटी आंत के तीन भाग है, डेडुनम, जोजुनम, इलियम। तो डेडुनम वाला भाग होता है वहां पे दो नली जुड़ी होती है, एक पैंक्रियाटिक यानी पैंक्रियाट जो अग्राशय है उसकी नली जुड़ी होती है, एक पित्ताशय की नली जुड़ी होती है। जो अग्राशय से तीन मुख्य रूप से एंजाइम होता है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, तीनों आकर के डेडुनम में मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन करते हैं। और इधर से आपका आता है पित्ताशय से पित्त रस, यहाँ पे आता है जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे जो लाइपेज होता है वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहाँ पे प्रवर्धित करता है? तो छोटी आंत में। और इससे भी डीपली क्वेश्चन देगा तो कहाँ पे प्रवर्धित करता है? छोटी आंत के डोडिनम वाले भाग में, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है, तो दोस्तों भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा दे रहा है, बट वो इंस्टेंटली ऊर्जा नहीं देता है, तुरंत नहीं देता है, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट होने में शरीर में जाकर के बहुत टाइम लगता है, और तुरंत इंस्टेंट ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। इसलिए सबसे प्रमुख साधन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट की कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? तो जितना ज्यादा वर्क करेंगे आपको उतना ही कैलोरी आवश्यकता होती है, तो 5000 से 5500 कैलोरी आवश्यकता होती है लंबी दूरी के दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होता है, जैसा कि आप सबको सब लोग जानते हैं, स्कर्वी होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। एंड बने रहिए मेरे चैनल पे बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए, और अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। एंड दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।